अच्छा, इस बीच आरईसी के रिजल्ट्स आप लोग को आपकी स्क्रीन पे आते हुए नजर आएंगे। आरईसी का मुनाफा मुझे एक्सपेक्टेशन अभी याद नहीं, खोलता हूं मैं, 2250 करोड़ से बढ़कर 2770 करोड़ रुपए का प्रॉफिट का आंकड़ा आता हुआ, और मेरे ख्याल से टॉप लाइन में भी एक इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ये देखिए आरईसी का स्टॉक 9080 करोड़ से बढ़कर 10000 करोड़ के पार टॉप लाइन का आंकड़ा जाता हुआ। ये ईयर ऑन ईयर नंबर्स हैं, पर मेरे ख्याल से आरईसी के नंबर्स को एक बार क्यू ऑन क्यू भी देखना चाहिए। लेकिन इस समय स्टॉक में देखिए क्या बढ़िया एक्शन जैसे ही वो नंबर्स आने शुरू हुए इस समय देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में क्विकली रामिया साहब आप बताइए आरईसी। आशीष जी, आरईसी की अगर हम फॉर्मेशन की बात करते हैं ना, तो वीकली चार्ट में एक साइडवेज कंसोलिडेशन दिख रहा है, और डेली चार्ट में इनफैक्ट ये कंसोलिडेशन जो एक साइडवेज था वो आज ब्रेकआउट देने के चक्कर में है, और आज की जो कैंडल है काउंटर बिकॉज डेज हाई पे आ रहा है, सो ये एक बुलिश कैंडल बन रही है एज ऑफ नाउ। सो यस, यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं। हमारा आज का सिर्फ एक ही लक्ष्य होना चाहिए काउंटर का, ये 140 के ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए। अगर ये काउंटर 140 के ऊपर आज क्लोजिंग देता है तो अगले 2 या 3 दिन में 155 तक के लेवल ये दिखा सकते हैं। 140.85-75 के आसपास है ही, देखते हैं क्लोज कहां पर होता है, लेकिन थोड़ा सा हरकत में आता हुआ काउंटर और नंबर्स के बाद। ये बात हुई आरईसी की। अच्छा, इस बीच कुछ और ट्रेड्स आपको मैं बता दूं कि दिग्गजों में हो क्या रहा है। तो दिग्गजों में नई तेजी अब निचले लेवल से एक्चुअली कुछ खरीदारी आई है। एशियन पेंट्स में 1.25% ऊपर है ये काउंटर। इसके अलावा M&M ब्रिटानिया जैसे स्टॉक्स है जहां पर थोड़ा थोड़ा करके एक्शन बनता हुआ दिखाई जरूर दे रहा है। मैं इनफैक्ट